हेलो गाइस, तो एज पर मैकआउट न्यू नोटिस बीटेक एंड बीफार्म सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सो आज 21 फरवरी से स्टार्ट हो गया है एंड लास्ट डेट 25 फरवरी, तो इसी टाइम के अंदर आप लोगों को एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। सो कैसे एनरोलमेंट करोगे उसके ऊपर पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो लास्ट तक देखना। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, बीटेक फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जो मैं पहले भी आप लोग बता दिया था और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा। बट इसका लास्ट डेट है 28 फरवरी, क्योंकि 1 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है ये वाला कोचिंग। सो देखो, आप एक सेमेस्टर में तो 40,000, 60,000, 70,000 पेमेंट कर देते हो, ओके? तो मैं ओनली आप लोगों को 200 पर मंथ चार्ज करूंगा और उसके बदले में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, एकदम पैकेज, ओके? पूरा आप लोग अच्छे से पढ़ाया जाएगा। 3 डेज पर वीक आप लोग क्लास होगा एंड 1 एक्स्ट्रा क्लास मिलेगा, ठीक है? सो 4 डेज हो गया टोटल, ओनली 200 पर मंथ, ज्यादा नहीं है, क्योंकि कई सारे टीचर्स आप लोगों को 1,000-2,000 चार्ज करता है पर वीक, ओके? तो उसके बदले में, क्योंकि रिक्वेस्ट के वजह से मैं ये कोचिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऑनलाइन कोचिंग, जिसमें 200 पर मंथ आप लोगों को पे करना होगा एंड सभी फैकल्टी वेल क्वालिफाइड है, ओके? आप लोगों के पास ओनली 7 डेज है, 28 को ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 मार्च से हम लोगों का ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में सबसे ज्यादा बैकलॉग आता है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैकलॉग आ भी जाता है तो स्कॉलरशिप का चांस बनता है, बट सेकेंड सेमेस्टर में अगर बैकलॉग आ जाता है तो स्कॉलरशिप आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और पॉजिटिव पॉइंट क्या है पता है, मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग एंड इंग्लिश का क्लास लूंगा, ठीक है? तो मेरे साथ आप लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, जो भी मुक्स रिलेटेड, एएमआर रिलेटेड या कुछ भी क्वेरीज होता है तो मैं उस टाइम में आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और 200 रुपीज में क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है? सेमेस्टर में इतना पैसा आप लोग खर्च कर रहे हो तो उसके बदले में 200 पर मंथ दे दो, ठीक है? बहुत ही कम है ये, बहुत ही कम। जाके एज सून एज पॉसिबल ज्वाइन कर लो, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग गूगल फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर आते हैं मेन टॉपिक में। तो सिंपल आपको स्टूडेंट सेक्शन में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड देकर लॉग इन हो जाना है। लॉग इन होने के बाद आप लोग देखोगे रेगुलर एनरोलमेंट फॉर्म लिखा है, इसमें क्लिक करोगे। अगर आप रेगुलर होते हो देन आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर शो करेगा, तो सिंपल आप लोग उसमें जाओगे, देन एडिट एंड व्यू में क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन इसमें क्लिक करना है, देन इसे बता रहा है सिलेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो आपका ग्रुप है दस सिंपल सिलेक्ट कर लेना। क्लिक करने के बाद आप लोग देखोगे आपका कंपलसरी सब्जेक्ट ये सब है, ठीक है? और अगर आप लोग का कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है तो बिल्कुल आप लोग आपके कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लेना कि मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा है, देन सिलेक्ट करके सबमिट कर देना, ठीक है? तो इसमें कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो मेरा फिजिक्स 1 है ग्रुप बी, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेम में केमिस्ट्री था, ओके? उसके बाद मैथमेटिक्स 2B, देन प्रोग्रामिंग है इंग्लिश से, और उसके बाद ये लैब है, ठीक है? देन सिंपल मैं क्या करूँगा, सेव में क्लिक कर दूंगा, ठीक है? तो सेव में क्लिक करने में आप लोग देखोगे मेरा पूरा डिटेल्स इसमें शो कर रहा है, ठीक है? मेरा थ्योरी पेपर, मेरा लैब पेपर, प्रैक्टिकल पेपर सबको शो कर रहा है। तो सिंपल इसमें आई कंफर्म दैट अप्रूवल क्लिक करोगे, देन कंफर्म एंड सबमिट में क्लिक करोगे, ठीक है? तो इसके लिए आपको एक भी पेमेंट नहीं करना है, ये जस्ट टोटली आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है जस्ट एनरोलमेंट के लिए। लास्ट में आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोग अगर सेकंड सेमेस्टर बैकलॉग नहीं चाहते हो, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में सबसे ज्यादा बैकलॉग आता है एंड आप लोगों का स्कॉलरशिप भी रुक जाएगा अगर बैकलॉग आता है तो, एंड प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए 200 रुपीज पर मंथ आप अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो एज सुन एज पॉसिबल बिफोर 28 फरवरी आप लोग ज्वाइन हो जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कैसे फिलअप करना है मैं तो बता दिया, ठीक है? तो चलिए एकदम कोचिंग में आप लोगों के साथ मुलाकात होता है, ठीक है? तो चलिए टाटा, टेक केयर, बाय।